हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में AWBI के बारे में। इसे क्या बोलते हैं? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। तो याद रखिए, ये विश्व में अपनी तरह का प्रथम संगठन है। क्या है? अपनी तरह का विश्व में प्रथम संगठन है। एक आपका सांवैधिक संगठन है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। कब? 1962 में स्थापना। इसका मुख्यालय है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। इसके सदस्यों की बात करें हम लोग, तो 28 सदस्य हैं इसके। कितने? 28, 28, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, एक वन महानिरीक्षक, पशुपालन आयुक्त, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय प्रत्येक में से एक एक प्रतिनिधि, लोकसभा से 4 सदस्य, राज्यसभा से 4 सदस्य, मानवतावादी विषयों से संबंधित 3 सदस्य और बाकी अन्य सदस्य। ठीक है, अब हम लोग भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अगर उद्देश्यों की बात करें, तो इसके उद्देश्यों में शामिल है पशु कल्याण से संबंधित कानून के लिए सरकार को सलाह देना, देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देना, जानवरों पर होने वाले अनावश्यक अत्याचारों को रोकना। ये आपके भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के उद्देश्य हैं। अगर हम लोग इसके कार्यों की बात करें, तो इसके कार्यों में शामिल हैं पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम के लिए भारत में बने कानून को लागू करना, सरकार को दी जाने वाली सलाह, पशु क्रूरता से संबंधित किसी भी कानून में किए जाने वाले संशोधन पर, पशु कत्ल खाने के निर्माण और रखरखाव संबंधी बनाए जाने वाले नियमों में, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले वाहनों की संरचना से संबंधित, पशु अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के संबंध में, पशु कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान करना आपकी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के कार्यों में शामिल है। पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करना इसका कार्य है। किसी अवांछनीय पशु की हत्या के संबंध में निर्णय लेना और आवश्यक कदम की अनुमति देना, ये भी आपका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का कार्य है। पशु कल्याण हेतु जागरूकता फैलाना, ये भी आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्य है। अगर हम लोग भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अन्य का तथ्यों की बात करें इसमें, तो इसकी स्थापना में श्रीमती रुक्मणी देवी अरुण डेल ने महत्वपूर्ण योगदान किया था, याद रखना। तो ये था आपका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में।